Welcome back to our YouTube channel. Today we will learn about rational number, chapter number 1 in standard 8. आज हम chapter number 1 rational number के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ाया. Rational number किसको बोलते हैं? What is rational number? वो हम पढ़ चुके. That we have already studied. Now today we will learn about the properties of rational numbers. आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर, यानी रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज. अब आपने सिक्स स्टैंडर्ड में और सेवन स्टैंडर्ड में ये प्रॉपर्टीज पढ़ी है. पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड वन इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. और जो चौथी प्रॉपर्टी है हम नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके, नाउ टुडे वी विल लर्न अबाउट द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, जो हमने पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं. सपोज सिक्स स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था हॉल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में, हॉल नंबर प्रॉपर्टीज ऑफ हॉल नंबर, जिसके अंदर पहली प्रॉपर्टी थी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड वन इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड थर्ड वन इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ये तीन प्रॉपर्टी और एक है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. बराबर, ये तीन प्रॉपर्टी हम सिक्स में भी पढ़ चुके, चार प्रॉपर्टी जो है हम सिक्स में भी पढ़ चुके हैं और सेवन में भी पढ़ चुके हैं. आज हम ये प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के अंदर पढ़ेंगे. ओके, द प्रॉपर्टी रैशनल नंबर प्रॉपर्टी सबसे पहली है क्लोजर प्रॉपर्टी. अब क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लीकेबल है कि नहीं एडिशन के अंदर, अब ये चेक करेंगे हम. सपोज दो रैशनल नंबर है, एक है ए और एक है बी. ए की जगह पर हम लेते हैं 2/3 और बी की जगह पर हम लेते हैं -1/2. अब ये दो नंबर हमने लिए, बराबर ए की जगह पर 2/3 और बी की जगह पर -1/2. अब ये दोनों को प्लस करेंगे अपने, 2/3 प्लस -1/2. अब रैशनल नंबर यानी सब्ट्रैक्शन का प्लस माइनस तो आपको आता होगा पहले से भी, 2 2 4 प्लस 1 3 1 3 यानी -3 अपॉन 3 2 6. 4 की जगह पर 4 प्लस माइनस -3 अपॉन 6 यानी अपना आंसर आया है 1/6. अब यहां पर ध्यान दीजिए कि जब हमने दो रैशनल नंबर यानी ए बी को प्लस किया तो आंसर क्या आया 1/6. 1/6 भी क्या है रैशनल नंबर, तो यानी ये अप्लीकेबल है, एडिशन में अप्लीकेबल है. यानी कि जब दो रैशनल नंबर को हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 1/6 यानी वो भी क्या है रैशनल नंबर है. अब हम ये कह सकते हैं कि 2 रैशनल नंबर आर क्लोजर इन एडिशन. एडिशन के अंदर वो एक दूसरे से क्लोजर है, एप्लीकेबल है, 1/6 आंसर है. अब सेकेंड वन इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बराबर. बट पहले हमने एडिशन के अंदर एप्लीकेबल है कि नहीं वो चेक कर लिया, एडिशन के अंदर क्या है एप्लीकेबल है. अब सेकेंड वन इज सब्ट्रैक्शन. अब ये दोनों को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे. सब्ट्रैक्ट करके चेक करेंगे 2/3 माइनस -1/2, 2 2 4 माइनस -3/2 3 6 माइनस माइनस प्लस 4 + 3 7 7/6 यानी जब दो रैशनल नंबर को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर क्या आया 7/6. तो हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के अंदर भी क्या है अप्लीकेबल है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन अपने तीसरा किसके अंदर चेक करेंगे, मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन के अंदर हम चेक करेंगे
सपोज एक की जगह हमने वही लिया था, क्या लिया था, 2/3, और बी की जगह पर हमने लिया था -1/3। ओके, अब वापस चेक करेंगे मल्टीप्लाई के अंदर, तो 2/3 मल्टीप्लाई बाय -1/3, तो 2 × 2 -2/3, 3 × 9, यानी जब दो रेशनल नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, रेशनल नंबर। तो 10 हम कह सकते हैं। इट इज क्लियर दैट द क्लोजर प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन इज एप्लीकेबल, ये भी एप्लीकेबल है। अब सेकेंड लास्ट वन हम एक इसके अंदर चेक करेंगे डिवीजन में, हमको तीनों के चारों के अंदर चेक करना है। पहले एडिशन के अंदर हमने चेक किया, फिर सबट्रैक्शन के अंदर, फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर, और अब डिवीजन के अंदर हम चेक करेंगे। ओके, नाउ डिवाइड करते हैं 2/3 डिवाइडेड बाय -1/3, 2/3 रेसिप्रोकल करेंगे, आपको पता है किस तरह करना है। तो 2, 3 कैंसिल, -1, 2 × 2 यानी -2, -2 इज आल्सो अ रेशनल नंबर। तो यानी डिवीजन के अंदर भी ये प्रॉपर्टी, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। अब याद रखना कि डिवीजन के अंदर अगर हम कोई रेशनल नंबर को अगर बी की जगह पर हम जीरो लेते हैं, तो हम जीरो से कभी भी डिवाइड करेंगे तो आंसर अपना नॉट डिफाइंड है। तो उस शर्त पे, यानी उस कंडीशन में क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर जीरो के अलावा कोई भी रेशनल नंबर, दूसरा रेशनल नंबर अगर आता है, तो हम बोल सकते हैं कि बाय क्लोजर डिवीजन इज एप्लीकेबल इन क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आया? ओके, ये हमने आज क्या पढ़ा, क्लोजर प्रॉपर्टी किस किस में चेक करें, एडिशन में, मल्टीप्लीकेशन एडिशन में, सबट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन में, और डिवीजन में। तीनों मोस्ट ऑफ चारों के अंदर जो है ये प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है। बट लास्ट डिवीजन के अंदर एक कंडीशन है कि अगर डिवीजन के अंदर अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर नॉट डिफाइंड आएगा, अगर जीरो होगा तो ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं। ओके, क्लियर ना? अब हम दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, उसका नाम है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कि जब हम एक रेशनल नंबर को, यानी एक सेम रेशनल नंबर ए को अगर बी से प्लस करेंगे तो अपना आंसर जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, बी को ए के प्लस, ए को प्लस करने से जो आंसर आएगा सेम टू सेम आंसर होना चाहिए। अब चेक करते हैं, हमने 1/2 + 3/4 इज इक्वल टू, यहाँ पर ए जो है 1/2 है, बी को है 3/4। अब b की जगह पर 3/4 प्लस a की जगह पर 1/2। ओके, नाउ अब दोनों को चेक करेंगे अपने वापस से, 1/4 + 4 प्लस 2/3 = 6 अपॉन 2/4 = 8, 3/2 = 6 प्लस 4/1 = 4 अपॉन 4/2 = 8। तो यहां पर अपना आंसर आया 10/8 इज इक्वल टू 10/8, यानी दोनों सेम है। अगर अपना आंसर दोनों सेम आ रहा है, क्योंकि इज इक्वल टू है, दोनों सेम आंसर आ रहा है तो यानी एप्लीकेबल है, अगर दोनों सेम आंसर नहीं आ रहा है तो एप्लीकेबल नहीं। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि कॉम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन एडिशन, एडिशन के अंदर एप्लीकेबल है। अब किससे चेक करेंगे हम, सबट्रैक्शन से, किससे, सबट्रैक्शन से हम चेक करेंगे, लेट्स चेक इट। ओके, यहां पर हम सबट्रैक्शन लगाएंगे, सबट्रैक्शन की साइन, सबट्रैक्शन। अब सबट्रैक्शन हम चेक करते हैं, सपोज एक ही जगह पर कोई भी रेशनल नंबर ले, ऐसा जरूरी नहीं, एक ही जगह पर हमने लिया 4/3 माइनस बी की जगह पर लिया हमने 1/4। अब दोनों को हम चेक करेंगे, बी की जगह पर हमको लेना है 1/4 और ए की जगह पर लेना है 4/3। ओके, चेक करते हैं, 4/4 = 16
माइनस 3 1 3 अपॉन 3 4 12 इज इक्वल टू 1 upon 4 यानी 1 1 3 3 माइनस 16 upon 12 माइनस करेंगे तो 13 upon 12 आंसर आया और यहां माइनस करेंगे तो माइनस 13 upon 12। अब यहां पर देखिए ये 13 upon 12 है और यहां आंसर है माइनस 13 upon 12 यानी दोनों आंसर अलग है तो ये सेम नहीं है तो इज नॉट इक्वल यानी ये प्रॉपर्टी के अंदर सेपरेशन के अंदर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं ये याद रखना ओके। तो एडिशन में एप्लीकेबल है सेपरेशन में एप्लीकेबल नहीं। अब हम चेक करेंगे किसमें मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन में एप्लीकेबल है कि नहीं वो चेक करेंगे अपने मल्टीप्लीकेशन एप्लीकेबल यानी सेम डिजिट लेते हैं बराबर सिर्फ हम मल्टीप्लाई करेंगे ओके। लेट्स स्टार्ट 4 1 4 3 4 12 1 4 4 12 यानी दोनों आंसर क्या है बराबर है। अगर दोनों आंसर बराबर है यानी इक्वल टू है अपनी प्रॉपर्टी जो है अगर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आना चाहिए बी बी को ए के मल्टीप्लाई करने वाला जो आंसर है वो सेम आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर दोनों आंसर सेम है तो इट इज क्लियर दैट मल्टीप्लीकेशन इज एप्लीकेबल कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल इन मल्टीप्लीकेशन। क्लियर। नाउ लास्ट वर्ड किससे चेक करेंगे डिवीजन से किससे डिवीजन से लेट्स स्टार्ट डिवीजन से चेक कर लेते हैं डिवाइड डिवाइड से यानी डिवीजन से चेक करेंगे नंबर सेम ही रखते अपने वी हैव टू कीप नंबर सेम। Now we will keep numbers same, okay? 4 upon 3 आपको पता है division करने के लिए reciprocal करना पड़ता है। You know that when we have to divide, we first we want to make it in multiply, okay? Now 4 4 16 upon 3 यहाँ पर 3 upon 16 यानी उल्टा आंसर आ रहा है यानी LHS left hand side is not equal to right hand side तो हमको ये पता चला कि division में applicable नहीं है okay clear। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई किस किस के अंदर एक और बार हमने एक और revise कर दे सबसे पहले addition हमने check किया it is applicable in addition second one किसमें check किया subtraction तो subtraction में applicable नहीं है it is not applicable in subtraction। थर्ड हमने चेक किया मल्टीप्लीकेशन तो इट इज एप्लीकेबल इन मल्टीप्लीकेशन और लास्ट में हमने चेक किया डिवीजन में तो डिवीजन में भी एप्लीकेबल नहीं यानी मल्टी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन में एप्लीकेबल है और सेपरेशन और डिवीजन में एप्लीकेबल नहीं। अब देखो यहाँ पे सेम थर्ड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये आपको चेक करना है इट इज योर होमवर्क ओके। आपको किसे चेक करना है कि ए की जगह कोई भी रेशनल नंबर ले लो बी की जगह पर कोई भी रेशनल नंबर ले लो और सी की जगह पर भी कोई भी रेशनल नंबर ले लो और उसके बाद में आपको क्या करना है फर्स्ट ऑफ ऑल बी और सी के ऊपर ब्रैकेट रखना है यानी जिस जो ब्रैकेट होता है पहले हम उसको सॉल्व करते हैं फिर उसके बाद जो आंसर आएगा उसको ए से प्लस करें। इसी तरह राइट हैंड साइड के अंदर क्या है ब्रैकेट किसके ऊपर है ए और बी के ऊपर है यानी ए और बी को हमको पहले सॉल्व करना पड़ेगा जो आंसर आएगा हमको सी से उसको प्लस करना है। अब मैं आपको आंसर्स भी बता देता हूँ सिर्फ आपको सॉल्व करके चेक करना है। देखो ये प्रॉपर्टी यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के अंदर एप्लीकेबल होगी सबट्रैक्शन के अंदर नहीं होगी मल्टीप्लीकेशन के अंदर भी एप्लीकेबल होगी और डिवीजन के अंदर नहीं होगी यानी सेम जैसा आपने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एप्लीकेशन अपने चेक किया वैसा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी आपको याद रखना है कि मल्टीप्लीकेशन और एडिशन में एप्लीकेबल है डिवीजन और सबट्रैक्शन में नहीं। ये आपको होमवर्क में करना है खुद से ओके थैंक यू और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।